नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय सिंह और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल DSLR 14 वर्ल्ड, जिसके अंदर आज जो हमारे सब्सक्राइबर जो सबसे ज़्यादा कंपैरिजन पूछ रहे हैं वो हैं D5300 और D3300 बिगिनर्स के हिसाब से कौन सा बेटर है। तो आज मैं उन्हीं को ये बताने वाला हूँ कि उनके हिसाब से कौन सा बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छी तरह से जानना है, अगर आपको परचेज़ करना है या जानना है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और आप नए हैं इस चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए, जो इनके दोनों के डिफरेंस या इन दोनों के जो फीचर हैं वो अच्छी तरीके से समझ पाएँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारा ये नया वीडियो। तो फ्रेंड, मेरे सामने दोनों ही कैमरे रखे हुए हैं, एक है निकोन D5300, दूसरा है निकोन D3300। ये दोनों ही कैमरे 2014 के मॉडल हैं, लेकिन अभी तक 2017 आ गया है। इन दोनों की डिमांड काफ़ी अच्छी है, काफ़ी फास्ट सेलिंग मॉडल है। प्राइस रेंज भी देखा जाए तो दोनों का इतने बेहतरीन फीचर के साथ में बहुत कम प्राइस रेंज में ये दोनों कैमरे आपको मिल जाएंगे, जो कि अंडर 40 के अंदर आपको मिल जाते हैं 18-55 के साथ में। D33 तो आपको 28-29 हज़ार का ही मिल जाएगा और 53 जो है वो 36-37 हज़ार का मिल पाएगा। पहले मैं दोनों में आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो इन दोनों में ही सेम आती है, मतलब क्या क्या जो फीचर हैं वो इन दोनों में आपको सेम मिलने वाले हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है। तो अंत तक हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, जो इन दोनों में ही सिमिलर हैं वो जो फीचर हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर इन दोनों का आपको डिफरेंस बताऊँगा। जो सिमिलर फीचर हैं वो है, सबसे पहली चीज़ तो इन दोनों में ही 24.2 मेगापिक्सल DX फॉर्मेट सीमो सेंसर दिया गया है निकोन का, जो कि एक्सपीड 4 इमेज प्रोसेसर के साथ काम करता है। ये दोनों ही कैमरों में सेम है जो कि इनका मेगापिक्सल है। उसके अलावा ISO परफॉर्मेंस की बात की जाए, ISO परफॉर्मेंस होता है लो लाइट सेंसिटिविटी, तो दोनों में ही 25,600 तक आप हाई ISO परफॉर्मेंस कर सकते हैं। 12,800 एक्चुअल ISO है, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, ये ऑटो पे है, मैनुअल पे लगा देता हूँ मैं इस कैमरे को, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये इसका मैक्सिमम दोनों का ही सेम है, ये 12,800 है। और आप इसको हाई वन का मतलब है 25,600, तो 25,600 तक इन दोनों में ही सेम ISO परफॉर्मेंस पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो बात आई लो लाइट या ISO परफॉर्मेंस की, तो वो दोनों का ही सेम है। प्लस तीसरी चीज़ जो सेम आएगी वो है दोनों की शूटिंग स्पीड, जो कि है 5 FPS, मतलब आप अगर कंटिन्यू शूटिंग के शौकीन हैं तो इन दोनों में ही आपको 5 FPS की शूटिंग स्पीड मिलने वाली है। और दोनों में एक और चीज़ जो है वो सेम है, वो है फुल HD विथ 60p मूवी रिकॉर्डिंग। दोनों ही में ही फुल HD आप 60 FPS की जो फ्रेम रेट आती है उससे आप वीडियो शूट कर सकते हैं, जो कि 1080 पिक्सल पे वर्क करता है। ये दोनों भी दोनों में ही सेम आएंगे। उसके अलावा वेट की बात करी जाए, साइज़ की बात करी जाए, तो भी ऑलमोस्ट सेम है, कोई 10-20 ग्राम का फ़र्क होगा वो है। प्लस जो इसके साथ में कॉम्बो किट आता है 18-55 प्लस 70-300, तो जो लेंस आते हैं उनके अंदर भी कोई डिफरेंस नहीं है फ्रेंड, जो लेंस आते हैं वो भी सेम आते हैं। और अब हम बात करते हैं जो इनमें जो दोनों में डिफरेंस है, मतलब कि ये 28,000-29,000 का मिलता है, ये 37,000 का मिलता है, तो जो 9,000 रुपये आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं 53 में, वो आपके किसी यूज़ के हैं या नहीं है वो आपको देखना है। मैं जो फ़र्क है दोनों में वो अब आपको बताने वाला हूँ। तो जो पहला और सबसे बड़ा फ़र्क है दोस्तों दोनों में ही, वो है इनके फोकस पॉइंट का। जी हाँ, फोकस पॉइंट काम में आते हैं, जैसे कि आपकी जो भी स्क्रीन होती है उस पर जो फोकस पॉइंट होते हैं, मैं इसमें बता देता हूँ यहाँ पे फोकस पॉइंट क्या होता है। ये देखिए, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये इसके फोकस पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे ये फोकस पॉइंट होते हैं, ये आपकी स्क्रीन में पूरी जगह पे फैले हुए हैं, जो कि 5300 के अंदर 39 ऑटो फोकस पॉइंट है, जबकि D33 की बात की जाए तो इसमें ओनली 11 ऑटो फोकस पॉइंट आते हैं। ये देखिए, अब इसमें आपको बहुत ही कम नज़र आएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे थे, तो इसमें ओनली 11 ऑटो फोकस पॉइंट है। तो इनका यूज़ वैसे नॉर्मल फोटोग्राफी में ज़्यादा नहीं होता है, जब आप रनिंग सब्जेक्ट, स्पोर्ट फोटोग्राफी, बर्ड वॉचिंग कर रहे हो तो जितने ज़्यादा फोकस पॉइंट होते हैं उतनी ट्रैकिंग आपकी बेटर रहती है, उतना ही आपका सब्जेक्ट कैमरे की ट्रैकिंग में रहता है, फोकस में रहता है। तो ये फोकस पॉइंट का यूज़ है, अगर आप जैसे इंडोर फोटोग्राफी कर रहे हैं, होम पर्पज़ से फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो इनका कुछ खास यूज़ नहीं रह जाता है, लेकिन आप स्पोर्ट फोटोग्राफी की बात करें तो आपको एडवांटेज इसमें ज़्यादा मिलेगी।
उसके अलावा बात की जाए दूसरा फीचर जो है वो है इसकी वेरिएंगल स्क्रीन, जो 53 में आता है वो वेरिएंगल स्क्रीन आता है, जबकि जो आपका निकोन D3300 कैमरा है उसमें स्क्रीन जो है वो फिक्स आती है, आप फ्लिप नहीं कर सकते हैं, इसमें आपको वेरिएंगल स्क्रीन मिलेगा। इसका भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है वो है वीडियो रिकॉर्डिंग में कई बार आपको अप एंगल या लो एंगल आपको वीडियो शूट करना हो तो इसमें आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन 33 में आपको फिक्स स्क्रीन ही मिलता है। उसके अलावा बात की जाए स्क्रीन साइज़ का, तो स्क्रीन साइज़ भी जो 53 का है वो 8.1 सेंटीमीटर का है जो स्क्रीन साइज़ है, जबकि 33 का थोड़ा सा छोटा है 7.5 सेंटीमीटर का है, तो उसका एडवांटेज आपको मिलता है। प्लस 53 में और भी एक दो चीज़ें एडवांस है, वो है बिल्ट इन वाईफाई। बिल्ट इन वाईफाई भी आपको निकोन D53 में मिलता है, हालांकि निकोन अभी स्पेशल ऑफर में कि D3300 के साथ में भी WU1A वाईफाई अडप्टर है वो फ्री दे रहा है, लेकिन वो बिल्ट इन नहीं आता है, आपको अलग से लगाना पड़ेगा। अभी ऑफर में साथ में फ्री मिल रहा है तो अच्छी बात है। उसके अलावा और फीचर की बात करें तो टेक्निकली जो अंदर फीचर आते हैं उनमें जो डिफरेंस है वो है इसमें आपके इंटरवल शूटिंग आती है, प्लस मल्टीपल एक्सपोजर मोड आता है D5300 के अंदर, जो कि आपको D3300 में नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल मोटा मोटा बोला जाए तो वेरिएंगल स्क्रीन, फोकस पॉइंट और इंटरवल टाइमर शूटिंग, इनका थोड़ा डिफरेंस है जो आपको 53 में मिल जाते हैं। अगर आपका यूज़ इन चीज़ों का है तो आप 53 लीजिए, और आप बिगिनर बिल्कुल एंट्री लेवल है तो आपके लिए 33 भी बेस्ट ही है, क्योंकि मेगापिक्सल, ISO, FPS जो मेन फीचर होते हैं वो आपको दोनों ही कैमरे में बिल्कुल सेम मिल जाते हैं, तो इतना कोई वो मेजर डिफरेंस नहीं है। अब मैं वो चीज़ बताता हूँ कि किसके लिए, मतलब आपका क्या यूज़ है उसके हिसाब से आपके लिए 53 बेटर रहेगा और क्या यूज़ है उसके हिसाब से 33 बेटर रहेगा। हाँ, 33 में भी दो चीज़ें ऐसी आती है, जैसे मान लीजिए आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आप एक स्टार्टिंग हैं, आपने DSLR कभी नहीं चलाया है, शुरुआत कर रहे हैं, सीखना चाहते हैं आप, तो उनके लिए 33 ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक गाइड मोड आता है, गाइड मोड में आपको जो सेटअप वगैरह करना है वो आप इसमें इजीली कर सकते हैं, मतलब कैमरा आपको खुद गाइड करता है कि आपको क्या क्या सेटिंग वगैरह चाहिए। देखिए आपको इसमें साफ मैं दिखा देता हूँ कि जो गाइड मोड में आता है ये देखिए कि आपको शूटिंग कैसे करनी है, व्यू डिलीट कैसे करना है, रिटच मेन्यू कैसे सेट करना है, सेटअप कैसे करना है, वो सब आपको कैमरा खुद गाइड करता है निकोन D3300 के अंदर कि आप कैसे कैसे DSLR यूज़ कर सकते हैं, जो कि 5300 में नहीं मिलता है। उसके अलावा एक और चीज़ है जो आप स्पेशल इफ़ेक्ट देखेंगे उसके अंदर पैनोरमिक शॉट का ऑप्शन आता है कि बिल्कुल वाइल्ड इमेज आपको लेनी है तो निकोन D33 में आपके पैनोरमिक शॉट भी मिलता है। ये देखिए इजी पैनोरमा, ठीक है, इसमें आप बहुत ही वाइल्ड जो इमेज है वो आप कैप्चर कर सकते हैं ईजिली। ये वाला ईजी पैनोरमा मैं आपको अच्छी तरह दिखा देता हूँ, ये वाला ऑप्शन, तो ये भी 53 में नहीं आता है। तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग है, बिल्कुल बिगिनर है, नॉर्मल होम पर्पस की आपको फोटोग्राफी करनी है तो मेरे हिसाब से D3300 आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। हाँ, लेकिन आपका यूज़ अगर थोड़ा सा जैसे आउटडोर यूज़ करते हैं, आपका थोड़ा शौक है बर्ड्स वॉचिंग करने का या वीडियो बनाने का, तो आपको 53 में जाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आपको वेरिएंगल स्क्रीन प्लस फोकस पॉइंट का आपको एडवांटेज मिलता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आई होप आप समझ गए होंगे कि किसमें क्या फीचर है, आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट है, आपको कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, और एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कि जो निकोन D850 है ये उनके लिए है जो प्रोफेशनल कैमरे हैं, उसका प्राइस आज निकोन ने अनाउंस कर दिया है, जो किट का प्राइस आएगा वो 2,99,950 प्राइस है, जबकि बॉडी का प्राइस है वो 2,30,000 रुपये है। तो ये दोनों का ही प्राइस है। और एक और न्यूज़ है, वो न्यूज़ ये है कि जो निकोन के जो फेस्टिवल ऑफ़र वगैरह आते हैं, स्कीम वगैरह आती है, वो कुछ कैमरों में आ चुकी है, उसका मैं वीडियो आपके लिए बहुत ही जल्दी बनाने वाला हूँ। तो मैं बताऊँगा कौन कौन से कैमरों में क्या क्या ऑफ़र्स, क्या क्या स्कीम आ रही है, क्या क्या गिफ्ट आपको मिल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर प्लीज़ ज़रूर करिए, ताकि हमारा जो परिवार है, हमारा जो चैनल है वो और ग्रोथ कर सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।